अब यहाँ पर हम लोगों को पानी का धार मिला हुआ है ना, यहाँ पर ये देखना ये वाले हिस्से में, तो ये जो धार है कितनी चौड़ी, कितना एचपी का मोटर चलेगा उसको एग्जैक्ट देखने के लिए पहले तो बैठना पड़ेगा। चल भाई बैठते हैं थोड़ा सा, है ना। अच्छा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, थोड़ा सा ना भाई ये वाला हिस्सा ला, हाँ ये वाला हिस्सा लेकर थोड़ा सा तू जान दबा दे, फिर उखड़ी तो उखाड़ दे। हाँ बस अब ये रहन आ जाओ, ठीक ठीक हाँ बस एक नंबर, अब ये रहन आ जाओ भाई ठीक। अब यहाँ पर पाइन सेट करना है, कैसे करना है भाई देखते जाओ ये ठीक। ये देखना यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे ये जाएगा यहाँ से उठना शुरू, यहाँ पर एक काड़ी गड़ा दे भाई ठीक। हाँ इसको एक बार और देख लेता हूँ यहाँ से, ये तो इस साइड का कॉर्नर हो गया। अब ये कितनी चौड़ी है उधर से पता चलेगा, उधर से बैठेंगे तब। तो भाई इधर आ जा, इसके लिए बैठना पड़ेगा, बिना बैठे नहीं बनता ये। अच्छा दूर से ले जाता हूँ भाई हाथ को, है ना। अच्छा मोटी चधार मिल जाए बढ़िया हो जाएगा। और पास जाना पड़ेगा, ये देखा भाई ये वाले पोजीशन में है। थोड़ा सा इधर साफ कर दो भाई, इधर मतलब थोड़ा सा साफ कर दे, पेड़ हलो एक कन वही करके इला। हाँ बहुत थोड़ा सा कहाँ से, हाँ ठीक कर बढ़ जा भाई मोशन बैठ ठीक। हाँ बढ़िया इधर कर बढ़ जा आराम से भाई, टाइम लाग जा ये इधर इधर ऐसी निकली है ना धार, इसलिए इधर आ रही है ये, है ना। दे भाई एक थोन दे, ये एग्जैक्ट पोजीशन में जा रही है ये, इधर लोडिंग ज़्यादा है। अब इससे भी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर तक पहुंचने का प्रयास रहता है हमेशा। तो ये वाला पोजीशन है, इतनी चौड़ी है लगभग लगभग 2 HP, 2 HP का मोटर इसमें चलेगा। अरे ये थोड़ी सा और बड़ी हो जाती, देखो यहाँ पर चौड़ी है, इधर से टर्निंग हो रही है पानी, इसलिए यहाँ पर चौड़ी है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर होगा जो ड्रिलिंग होगी वो ठीक भाई। इसमें 2 HP का मोटर चलेगा, अगर ये खेत में और कहीं क्रॉसिंग होती ना धार एकाध तो सेंटर पॉइंट में देते दोनों का, तो वहाँ पर 3 और 4 HP का भी चलता, लेकिन धार एक ही है इसलिए यहाँ पर 2 HP का चलेगा ठीक भैया। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए जय जोहार।